नमस्कार दोस्तों, मैं देव क्रांति चंद्रा आइडियाज इंजीनियरिंग वर्क से। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप लोग इतना प्यार दिया है हमारा, इतना वीडियोस को लाइक मिला है, इतना शेयर कर रहे हैं हम लोग, इतना पॉपुलर हम बन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आप लोग जो आज ये वीडियो पहले बार देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है एंड तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिए। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज लाया हूँ, इंफॉर्मेशन जो कि आरओ प्लांट के बारे में। मुझे मेरा जो पुराना वीडियो है हम लोगों का, वो वीडियो देख के बहुत सारा क्लाइंट्स मुझे पूछा है कि प्राइस, ये प्राइस आरओ प्लांट का प्राइस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों हमारा प्राइस दूसरों से अलग है, क्यों प्राइस का कितना वेरिएशन है। तो ये सब जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए विदाउट स्किप, और अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे जो बेल बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स, आज मेरे साथ हम लोग एक आरओ प्लांट रखे हैं आपको समझाने के लिए। दोस्तों, ये है एक 500 LPH आरओ प्लांट। एक आरओ प्लांट में क्या क्या रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोरिंग होता है, बोरवेल से पानी आपका अपटेक होके एक टैंक में जमा होता है, दैट इज कॉल्ड रॉ वाटर टैंक। रॉ वाटर टैंक के बाद आपको जो पानी है, पानी आपका आ जाता है थ्रू रॉ वाटर पंप। ये है रॉ वाटर पंप। रॉ वाटर पंप से पानी फिर आ जाता है वेसल्स में। अकॉर्डिंग टू द वाटर क्वालिटी हम लोग ये जो वेसल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमारा जो बेहतरीन जो टेक्नीशियंस है, इंजीनियर्स है, वो लोग डिज़ाइन करते हैं कि पानी का क्वालिटी कैसा है। ये हम लोगों का फैक्ट्री में खुद का लेबोरेटरी है जहाँ पे टेस्टिंग किया जाता है। वहाँ टेस्टिंग करने के बाद आपका देखा जाता है कि कौन सा वेसल में कौन सा मीडिया देना पड़ेगा। दोस्तों, ये है वेसल। ये वेसल का साइज भी डिफर करता है उसका पानी का क्वालिटी के ऊपर। हम लोग हर टाइम कोशिश करते हैं टेक्निकली सही चीज, सही मटेरियल्स का कॉन्फ़िगरेशन देके आरओ प्लांट बनाने के, ताकि आपको परेशानी ज्यादा ना हो। ये वेसल के अंदर दिया जाता है मीडिया। ये मीडिया भी क्या है दोस्तों, मीडियास बहुत सारा मीडियास होता है। ये नॉर्मली ग्रेवल्स, पेबल्स, कोर्स सैंड, प्लेन सैंड, ट्रीटेड सैंड, फिर आ जाता है आयरन रिमूवर मीडिया। आयरन रिमूवर के लिए कई तरह का मीडिया है, लाइक एंथ्रासाइट। आयरन अगर ज्यादा होता है तो क्या किया जाता है, मैक्सिमम जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी से वहाँ पे MnO2 दिया जाता है, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2। फिर अगर आयरन का और भी ज़्यादा अगर ये होता है तो कई तरह का मीडिया मार्केट में अवेलेबल है, जैसे बम मीडिया है। और भी आजकल का दिन में टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड हो गया है, बहुत हाई लेवल का आपका अच्छा क्वालिटी का बहुत सारा महंगा मीडिया भी आ गया है। तो ये सब देख के जो हमारा केमिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट लोग हैं, मैं खुद बाय एडुकेशन एक बायोलॉजिस्ट हूँ, और कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते नहीं है। तो मेरा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, केमिस्ट है, ये लोग टेस्टिंग करके जो रिपोर्ट हम लोगों को देते हैं उसके बेसिस पे ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो
ये इस मैटर आपका प्राइस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट आपको पानी उसके बाद आपका आ जाता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। अभी एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या काम करता है, इट्स जस्ट मेक द वाटर क्रिस्टलाइन एंड हेल्प्स टू एब्जॉर्ब ऑल बैड ऑडर। पानी में कोई गंदापन रहता है, घोलापन जो रहता है, ये सब एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को आपका क्रिस्टलाइन बनाता है, साफ सुथरा बनाता है और ऑडरलेस बनाता है। दोस्तों बीआईएस इंडिया में दो स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है, एक भू का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है और एक होता है बीआईएस आईएसआर और बीआईएस बीआईएस एफ पर बीआईएस का जो स्टैंडर्डाइजेशन है हम लोग कोशिश करते हैं कि वो स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करने की, बिकॉज वी आर द ओनली वन कंपनी इन वेस्ट बंगाल वर्किंग ऑल ओवर इन इंडिया व्हिच आर मेकिंग प्रोजेक्ट्स ऑन ट्रंकी बेसिस। वी डू वर्क सिविल डिजाइनिंग अप टू बीआईएस लाइसेंस। सो यहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी कंप्रोमाइजेशन का कोई बात हमारा दिमाग में रखना ही नहीं होता है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दो कस्टमर का, ये हमारा मोटो है, ताकि अगर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट अगर नहीं देंगे तो आप सस्ता में लेके जाएंगे। जैसे मैं मीडिया के बारे में बोला, ये सब वैरायटीज मीडिया जो है बहुत अलग अलग प्राइस में मिलता है मार्केट में, सही कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं होता है बाद में वो दिक्कत डालता है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो इसलिए हम हमेशा क्वालिटी अपग्रेडेड रखते हैं। नेक्स्ट पानी आपका आ जाता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बाद, अगर पानी में हार्डनेस होता है तो हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं हार्डनेस फिल्टर का। हार्डनेस के फिल्टर के लिए हार्डनेस मीडिया जो है बेसिकली जो है शॉर्पनर फिल्टर मीडिया वो रहता है। तो फर्स्ट आपका आ जाता है मल्टीग्रेडेड सैंड फिल्टर और डीएमएफ ड्यूअल मीडिया फिल्टर, देन आपका आ रहा है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, देन आपका आ जाता है शॉर्पनर फिल्टर। उसके बाद आपका पानी डायरेक्टली इधर देखिए डायरेक्टली आ जाते हैं कार्टिज फिल्टर। दोस्तों ये है माइक्रोन कार्टिज फिल्टर, इसका पोर साइज है जो मेम्ब्रेन होता है इसका पोर साइज होता है 5 माइक्रोन। उसके बाद पानी डायरेक्टली चला जाता है हाई प्रेशर पंप में। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है जो हाई प्रेशर पंप बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो कंपनी देते हैं जो सबसे बेहतर है, बेसिकली हम लोग इम्पोर्टेड आपका हाई प्रेशर पंप देते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी है जापान का, हाँ और भी बहुत सारा अच्छा कंपनीज का जो अवेलेबल होता है मार्केट में वो पंप हम लोग देते हैं। ये जो हाई प्रेशर पंप हम यूज़ कर रहे हैं इसका पूरा पिछले 7-8 साल से हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी अभी तक एक भी कंप्लेंट हम लोगों के पास नहीं आया है। हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है कि आप मशीन लीजिए, आरओ प्लान हमसे लीजिए, लेने के बाद विदाउट एनी हैजर्ड, दैट मीन्स हैजर्ड फ्री आपको काम मिलता रहे, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है तो आपका प्रोडक्शन बंद रहेगा। आपका प्रोडक्शन अगर बंद रहेगा तो आपका क्लाइंट छूट जाएगा, क्योंकि पानी जो आपको मालूम है इतना बोलने का जरूरत नहीं है कि हाउ वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोडक्ट यू ऑल नो। सो पानी अगर आपको क्लाइंट आपका कस्टमर जो है कस्टमर पानी मांगता है, आपका मशीन खराब होकर पड़ा रहता है, लेकिन मैंने आप पानी नहीं दे पाओगे तो आपका प्रोडक्शन हम पर होता है।
सो प्रोडक्शन अपर होने से आपका कस्टमर छूट जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये सब दिमाग में रख के हम सस्ता क्वालिटी का कभी भी सोचते ही नहीं है। मशीन एक बार लगाएंगे, देखिए मशीन मतलब खराब हो सकता है, ये तो कॉमन बात है। मैं एकदम फ्रेंडली होमली बात कर रहा हूँ सब, हाँ आप लोगों से। तो कंटिन्यूस सर्विस आपको मिलेगा। हम लोग आरओ प्लांट के साथ दो डोजिंग पंप देते थे। ये है डोजिंग पंप, एक है एंटी स्केलिंग डोजिंग, दूसरा है आपका मिनरल एडिंग डोजिंग। मिनरल एड, आप सभी को मालूम है आरओ का वॉट प्रिंसिपल। आरओ ये आपका आरओ मेम्ब्रेन है, आरओ मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है ये है 0.0001 माइक्रोन। तो आप सोच सकते हैं इसमें एक वायरस भी पास नहीं कर सकते हैं। ये वायरस जब पास ही नहीं कर सकते तो अल्ट्रा प्यूरिफायर टाइप का ये हो गया। हम लोगों को इसीलिए पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि वो मेम्ब्रेन ब्लॉकेज ना हो, इसलिए हम लोग इतना सारा अरेंजमेंट रखते हैं। इतना स्टेजेस रहता है प्यूरिफिकेशन का। और आरओ मेम्ब्रेन का जो पोर साइज है इसके वजह से आपका इसमें पानी में जो प्लेन वाटर आता है उसके बाद प्रोडक्ट वाटर जो बनता है इसमें कोई मिनरल्स भी नहीं रहता है, क्योंकि 99% तक TDS जो होता है वो निकाल जाता है। इसलिए पानी में क्या होता है, मिनरल्स का डेफिशिएंसी पैदा होता है। इस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम लोग मिनरल एडिंग करते हैं, मिनरल एडिंग सिस्टम हम लोग देते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है ये जो स्कीड, दिस इज स्कीड स्टेनलेस स्टील टोटल कंप्लीटली 304 स्टेनलेस स्टील स्कीड के ऊपर पूरा मशीन आप देख पा रहे हैं। पूरा मशीन जो है अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पे हाई क्वालिटी आपका फ्लो मीटर, प्रेशर गेज जो कि कंप्लीट स्टेनलेस स्टील का बनाया हुआ है, और आरओ प्रेशर ट्यूब जो है ये भी HS304 का है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पे भी क्वालिटी कंप्रोमाइजेशन नहीं है। याद कर पाएंगे कि कुछ साल पहले यहाँ वेस्ट बंगाल बहुत न्यूज में आया था, एक कहीं नामचीन ब्रांडेड एक कार्ड निकला था बहुत सस्ता में देने के लिए। कोई सोचा था कि सस्ता में एकदम कार देंगे, हाँ सस्ता एकदम बिल्कुल सस्ता में गाड़ी देगा, लेकिन आज वो हिस्ट्री ही है। सस्ता कभी भी अच्छा हो नहीं सकता है, क्योंकि क्वालिटी में अगर कंप्रोमाइजेशन ही होगा तो वो कर नहीं पाएगा। जो भी हम लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपको आरओ प्लांट सेल कर रहे हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। सो कोई अपना पॉकेट से आपको देगा नहीं कुछ, कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजेशन रह जाता है क्वालिटी में, बट हम लोग नहीं करते हैं। वी आइडियाज इंजीनियरिंग वर्क्स नेवर कॉम्प्रोमाइजेस ऑन क्वालिटी, कोशिश करते हैं बेस्ट क्वालिटी देने का। सो ये बहुत सारा चीज जो है डिपेंड करता है आरओ का प्राइस। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है पानी के लिए, जिसके बेसिस पे हम लोग आरओ प्लांट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं TDS टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। नेक्स्ट आपका आता है आ जाता है आयरन, देन आ जाता है कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन टोटल हार्डनेस। बेसिक यही चीज है जो हम लोग हमारा लैब में टेस्टिंग करते हैं।
जियोग्राफिकल लोकेशन के अनुसार अगर कोई जगह पर देखते हैं कि वहाँ आर्सेनिक ज़्यादा होने का चांसेस है, तो वहाँ पे आर्सेनिक या अदर्स जो टेस्टेस है आपका डू और IBIS का जो स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं, उसके बाद ही कन्फिगरेशन होता है। तो ये सब पूरा जानकारी आपके लिए आज था। अगर कुछ और जानकारी आप लोगों को जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारा प्लांट अच्छा लगता है तो ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने के एक दिन के बाद आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाएगा। नीचे दिया गया जो अकाउंट डिटेल्स दिया है आप वहां पे डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। हमारा जो टेक्नीशियन टीम है ऑर्डर मिलने के बाद जब डिस्पैच होगा आपका प्रोडक्ट, आपका जो प्लांट डिस्पैच होगा उसके एक दिन के बाद चला जाएगा फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। और बड़ा प्रोजेक्ट के लिए आप लोग नीचे स्क्रॉल में दिया गया नंबर में फोन करके डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सकते हैं। हाँ, हमारा टीम भी है पूरा आपका असिस्टेंस के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।